हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा गाइस कैसे हैं सब लोग उम्मीद करता हूं कि तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रहे होंगे जिन बच्चों का स्पेशली अभी ए एफ ओ का पेपर की तैयारी कर रहे हैं ठीक है थीके? या आप नबार्ड 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर के ऊपर जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है right, कई बार बच्चे पूछते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी और मैसेजेस के थ्रू की सर सारे लेक्चर्स देखने क्या की जो लेक्चर्स पुराने हो गए हैं तो एडवाइजेबल तो यही है कि आप सारे लेक्चर्स देखो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टैटिक पार्ट्स uh, को भी हम कवर करते हैं जो करंट अफेयर डिराइव्ड होते हैं सारे पार्ट uh, देखो बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम छोटे वीडियोस बनाते हैं ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाते हैं तो आप फटाफट से उसको कवरअप कर सकते हो कोई इशू नहीं है सो पार्ट ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर अब हम कवर अप करेंगे And, uh, अगर आप नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स परचेज करना चाहते हो फिफ्टी ऑफ चल रहा है थ्री हंड्रेड रुपीज के अराउंड आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है डिटेल है पहले आपको टेस्ट फॉर्म में आप क्विज़ को अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद फिर आपको उसके मिल जाते हैं एक अच्छा जरिया है सोल्यूशन मिल जाते हैं तो आपको लर्निंग का चांस भी अच्छा मिलता है पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन ये रहा विच स्टेट विल स्टेब्लिश नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम पहला फिश म्यूजियम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट के अंदर स्टेब्लिश होगा सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है या तो आता है या नहीं आता वाला सिनेरियो होता है इसमें इसमें दूसरी चीज नहीं होती कि तुक्का लगा दू या एलिमिनेट कर दू ठीक है सो राइट आंसर क्या होगा द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश के अंदर बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम जो है इसको इनोग्रेट किया जाएगा तो ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका जो टोटल फाइनेंशियल आउटले है 43.59 करोड़ का रहेगा पहली इंस्टॉलमेंट जो रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर एंड ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का पार्ट होगा जो फिश म्यूजियम होगा इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको अप्रूव किया है अरुणाचल प्रदेश में तारीन नाम की जगह पर जो जीरो वैली में एरिया है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल की वहां पर है बट सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन uh, के अंदर नहीं पूछेगा फाइनेंशियल आउटले पूछने के चांसेस नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन पूछने के चांसेस नहीं है हाँ आप मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको सेंक्शन किया सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आप आ जाएंगे अक्टूबर टू थाउजेंड के अंदर जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, बेसिकली जो भी जीएम क्रॉप्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उसका अप्रूवल का जो भी सारा काम होता है वो ये पर्टिकुलर कमेटी देखती है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है और इन्होंने बेसिकली एक क्रॉप के कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए एक पर्टिकुलर क्रॉप वेराइटी जो इंडिजिनियसली कंट्री के अंदर ही डेवलप की गई है उसकी कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए कॉमर्शियल स्केल के ऊपर कल्टिवेशन के लिए भी अप्रूवल दिया था अक्टूबर 2022 के अंदर तो वो कौन सी क्रॉप है ऑप्शन ए जीएम मेज बी बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल जीएम मस्टर्ड जीएम सोयाबीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये पेपर के अंदर पूछे जाने के काफी हाई चांसेस है राइट आंसर गाइज विल बी ऑप्शन डी जीएम मस्टर्ड जीएम मस्टर्ड के लिए कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए जो आपकी genetic engineering appraisal committee है इन्होंने October month के अंदर uh, बेसिकली so, जो आपका डी एम एच इलेवन है जिसको डेवलप किया है सेंटर फॉर जेनेटिक मैन्युपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स जो आपका डेली यूनिवर्सिटी के अंदर है न्यू डेली इस पर्टिकुलर वेराइटी के कॉमर्शियल uh, कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल जो है वो मिला है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आती है और इसी का काम है कि ये जो जीएम क्रॉप्स वगैरह उसके ट्रायल उसका अप्रूवल उसका रिजेक्शन सारा काम यही करती है एंड ये हिंदुस्तान के अंदर देखो अभी तक हम सिर्फ एक uh, ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रो करते हैं एंड दैट इज योर कॉटन और कॉटन एक कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, है ना आप उसको खाते तो नहीं हो ना बट ये जो आपका क्रॉप है ये पहला फूड क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड पहला फूड क्रॉप होगा पहला ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप होगा इंडिया के अंदर जिसको कमर्शियल लेवल के ऊपर कल्टीवेशन के लिए परमिशन मिला थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ 31 अक्टूबर 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था हरित आयकार इनिशिएटिव इस इनिशिएटिव के अंदर बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि हमको ना ट्रीज का कल्टीवेशन ट्रीज प्लांट करेंगे और माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे ग्रीनरी कंट्री की इंक्रीज करेंगे तो ये हरित के अंदर आर किस लिए स्टैंड करता है ऑप्शन ए बी बी रेजोल्यूशन सी डी ई रिस्टोरेटिव सो विल द राइट आंसर ओवर हेयर सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन बी रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन जो है वो सही सवाल जवाब रहेगा हरित की फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स तो ये याद रखिएगा वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये ये जो हरित इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है ओके एंड नेशनल यूनिटी डे फर्स्ट अक्टूबर को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था फॉरेस्ट्री और ग्रीनरी लिस्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस क्वेश्चन आईबीपीएसओ के अंदर भी पूछ लेता है तो करना जरूरी है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए अच्छा ये तो हम कर चुके हैं आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाएं आप इन विच सिटी इंडिया लार्जेस्ट मिया वॉकी फॉरेस्ट इज लोकेटेड मिया वकी फॉरेस्ट बेसिकली मिया वकी फॉरेस्ट एक जापेनिज इन्वेंशन है एंड इसके अंदर क्या होता है बेसिकली जो ट्रीज और क्रॉप जो ट्रीज हैं जो प्लांट्स हैं उसको आप बहुत हाई डेंसिटी में प्लांट करते हो स्पेसिंग जो है वो बहुत कम रखते हैं ठीक है तो ये कौन सी सिटी के अंदर लोकेटेड है लार्जेस्ट जो है गुवाहाटी असम इंदौर मध्य प्रदेश हैदराबाद तेलंगाना गांधीनगर गुजरात चेन्नई तमिलनाडु तो यहां पर आपका क्या सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मियावकी फॉरेस्ट जो है वो लोकेटेड है इसके ज्यादा टेक्निकलिटीज के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है ठीक है और ये याद रख लीजिएगा कि दिस इज जापानीज इन्वेंशन ठीक है जी चलो ऑलराइट राइट एंड दूसरे नंबर पर जो स्टेट आती है वो भी याद रख लीजिएगा गुजरात के अंदर है एंड डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने ये इन्वेंशन किया है फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं नेम द टाइगर रिजर्व दैट हैज रिसेंटली जो नवंबर 2022 के अंदर एलिफेंट एडोप्शन प्रोग्राम लॉन्च करने वाला एक टाइगर रिजर्व बना सो so इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडोप्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है एलिफेंट एडोप्शन प्रोग्राम बेसिकली क्या होगा यहाँ पर जो आ, टाइगर रिजर्व है वो इनवाइट करेगा वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को जो एनिमल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं 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 या जो philanthropists है, बड़े बड़े ठीक है, है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो आए और एक पर्टिकुलर एलिफेंट को स्पॉन्सर करें ठीक है जैसे उसका जो सारा खर्चा होगा बेसिकली वो उठाने के लिए यहाँ पर एक तरह का प्रोग्राम है एडोप्शन का मतलब ये नहीं है कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो आकर के हाथी अपने घर uh, पर लेकर के चला जाएगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है एलिफेंट वहीं पर रहेगा एलिफेंट एडोप्शन प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि एक तरीके से आपने खर्चा उठाने के लिए अपनी सहमति है जो है वो दी है ओके सो द राइट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑल राइट सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली पब्लिश नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया अब आने वाले जो दो तीन क्वेश्चन है ना वो इसी नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2022 के ऊपर बेस्ड है ये सरकार टाइम टू टाइम निकालती रहती है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड एक तरह का सर्वे होता है जिसके अंदर ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है 2022 से पहले 2017 के अंदर ये हमारे पास सर्वे आया था अभी तक हम उसी को लेकर के चल रहे थे बट अब ये 2022 में सर्वे आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लेना आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए चाहे आप नबार्ड प्रिपेयर कर रहे हो आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जनरली किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्रीकल्चर के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो हर एग्जाम के लिए बहुत ही बहुमूल्य बहुत ही कीमती एक ये टॉपिक आपके लिए रहेगा नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का जो डेटा है तो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस मिनिस्टर ने इसको बेसिकली लॉन्च किया है तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है तो विल बी द राइट आंसर ओवर हियर यहां पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा दैट विल बी गजेंद्र सिंह शेखावत ओके okay? तो बेसिकली ये जो एनालिसिस आया है हमारे पास 2022 का इसके अंदर हमें ये देखने को मिला है जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जिनकी असेसमेंट किया गया 909 हंड्रेड ऐसी यूनिट्स थी 909 ऐसे एरियाज थे जहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली ग्राउंड वाटर कंडीशन के अंदर अगर हम दो असेसमेंट डाटा से कंपेयर करते हैं और क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है जो आपका सर्वे है कंपाइलेशन है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का जैसे यहां पर हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल कितना है जो आपका एनुअली ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसमें बारिश कितना रिचार्ज के अंदर कंट्रीब्यूट करती है सीधा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो पेपर के अंदर आधी जंग आदमी तब जीत जाता है जब उसको क्वेश्चन समझ में आ जाए ठीक है और ये वो वाले क्वेश्चंस हैं मैं आपको बात बता दूं मैं एक क्राइटेरिया आपको बताता हूँ उनकी तीन तरह के पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक क्वेश्चन होते हैं इजी ठीक है इजी क्वेश्चंस किसके लिए होते हैं इजी क्वेश्चन वो होते हैं जो हर कोई कराता है अगर सौ बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उसमें से नब्बे बच्चे कराएंगे ठीक है सिर्फ दस बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा था और मस्ती करने के लिए वहां पर गए हैं तो ये हर कोई कर देता है सिर्फ उन दस बिल्कुल ही नॉन सीरियस बच्चों को बाहर करने के लिए एक तरीके से ये टेक्निक होती है जो आपका इजी है उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट मॉडरेट के अंदर क्या होता है जिन्होंने सीरियसली तैयारी की है ना वो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे जो पेपर से पांच दिन पहले किताब उठा करके बैठते हैं कि हम कोई पीडीएफ पढ़ लेते हैं पेपर क्लियर हो जाएगा वो ये बच्चे आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे थर्ड क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा हार्ड की कैटेगरी में आते हैं हार्ड की कैटेगरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिलेक्टेड बच्चे कर पाते हैं सौ में से पांच बच्चे सौ में से सात बच्चे ठीक है बाकी कहेंगे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया ये वो बच्चे होते हैं जो स्मार्ट वे में पढ़ाई करते हैं जिनको पता होता है कि हाँ यार हमें कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ठीक है क्या और कितना बहुत इंपॉर्टेंट है वॉट एंड हाउ मच क्योंकि इतना सारा कंटेंट है अगर एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली बात करें तो इतना सारा कंटेंट है कि पढ़ने बैठो तो कोई अंत नहीं है है ना तो कितना पढ़ना है और कहा से पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या पूछ दिया रेनफॉल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना करती है फोर्टी 51 परसेंट फिफ्टी वन परसेंट सिक्सटी परसेंट ठीक है जैसे अब अगर ये बाल्टी है मैं कह रहा हूं कि यार ये बाल्टी के अंदर 100 लीटर पानी आ रहा है साल में तो 100 लीटर में से बारिश के थ्रू कितना पानी कलेक्ट हो रहा है बाल्टी में ये क्वेश्चन है अब यहां पर आपका तुक्के का तो देखो स्कोप है नहीं कोई अब यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जी सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सिक्सटी तो देखो मेन सोर्स जो है रिप्लानिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का वो रेनफॉल से है ज मेंसेंट डायरेक्टली नबार्ड के बच्चे सब्जेक्टिव जिन, एलिमेंट भी अटेम्प्ट करना है सब्जेक्टिव के अंदर इस तरह के फैक्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर या रेनफॉल के ऊपर या क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स के ऊपर आ जाता है तो आप कह सकते हो कि क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखो रेनफॉल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया का मॉनसून का जो पैटर्न है है ना अब अल्टीमेटली अगर क्लाइमेट में कोई डिफरेंस चेंज आता है तो रेनफॉल इंपैक्ट होगा रेनफॉल इंपैक्ट होगा तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंपैक्ट होगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंपैक्ट होगा तो जो स्टेट्स या जो इरिगेशन एरियाज ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज वो डेफिनेटली इफेक्ट होंगी वो इफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली जो फूड सिस्टम है डेफिनेटली उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का प्रेजेंट असेसमेंट यानी कि जो नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है ऑफ इंडिया ट्वेंटी इसमें जो तो टोटल तो एनुअल तो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज मीटर ठीक है जी तो 2022 के अंदर जो तो टोटल तो एनुअल तो 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 ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो कितना बिलियन क्यूबिक मीटर का असेसमेंट आया है फोर थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स जीरो फोर फोर्टी

एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास एज पर नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर एरिया इन इंडिया इज कैटेगराइज है सेलाइन कितना परसेंट ग्राउंड वाटर एरिया हिंदुस्तान का ऐसा है जिसको हमने सेलाइन कैटेगराइज किया हुआ है ऑप्शन ए वन परसेंट बी टू परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट फाइव परसेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों के क्वेश्चन के, के देख लो आपको बहुत इजीली जो एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट या पांच परसेंट और राइट सो द राइट आंसर ओवर हेयर ऑप्शन बी टू परसेंट ठीक है दो परसेंट जो टोटल हमने असेसमेंट किया उसका दो परसेंट ग्राउंड वाटर एरिया जो है वो सेलाइन नमकीन पानी है वहां पर तो ये फैक्ट्स देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल हमने 7089 यूनिट्स को असेस किया जिसके अंदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तालुका वगैरह सब आ जाता है ठीक है जी ये याद करने की जरूरत नहीं है अब इन 7089 यूनिट्स में से 1006 यूनिट्स यानी कि आप कह सकते हो कि 14 परसेंट ऐसे एरिया थे जहां पर हमने ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉयटेड कैटेगराइज किया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है कि जो रिचार्ज है रिचार्ज से ज्यादा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है उतना जितना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उतना एक साल में रिचार्ज नहीं हो रहा अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपका खजाना है ठीक है खजाने में सौ करोड़ रुपए है ठीक है अब आप खजाने से दस करोड़ रुपए निकाल रहे हो अपने खर्चे के लिए लेकिन इस खजाने में डाल सिर्फ आप आठ करोड़ रुपए रहे हो तो आप निकाल ज्यादा रहे हो और डाल कम रहे हो तो धीरे धीरे साल भर साल ऐसे ही चलता रहेगा आप निकालोगे ज्यादा पर डालोगे कम तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका खजाना खाली हो जाएगा सेम चीज यहां पर हो रही है 260 यूनिट यानी कि चार परसेंट यूनिट ऐसी जो क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर आती हैं क्रिटिकल कैटेगरी का क्या मतलब है जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 90 टू 100 परसेंट ऑफ एनुअल एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स अवेलेबल ठीक है तो बेसिकली जितना आपके पास एनुअल रिसोर्स अवेलेबल है उसका 90 से 100 परसेंट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ठीक है है हालत नहीं हुई है कि आप जितना निकाल रहे हो उतना रिचार्ज भी नहीं हो रहा अभी रिचार्ज हो रहा है लेकिन जितना रिचार्ज हो रहा है उत, उतना ही आप ऑलमोस्ट निकाल रहे हो ठीक है जी उसके बाद एट एट्टी ऐसे हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो सेवेंटी से नाइनटी के बीच में है ठीक है और बाकी 67 परसेंट यानी कि 4780 यूनिट्स ऐसे हैं जिनको सेफ कैटेगराइज किया गया है जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सटेक्शन सत्तर से कम का है तो सिक्सटी सेवन परसेंट एरिया है और फाइनली दो परसेंट एरिया ऐसे हैं यानी कि एक असेसमेंट यूनिट्स ऐसे हैं जहां पर सेलाइन है तो ये असेसमेंट यूनिट्स का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है परसेंटेजेस याद कर लो ठीक है अगर अब मुझे नोट बनाना होगा ना देखो मैं तो तभी प्रमोट करता हूं कि खुद के नोट्स बनाओ पीडीएफ फाइल्स के पीछे मत भागो अब अगर मैं स्टूडेंट होऊंगा मैं तो कैसे नोट बना लूंगा फोर्टीन परसेंट ओवर एक्सप्लोइटेड ठीक है उसके बाद फोर परसेंट क्रिटिकल ब्रैकेट में लिख लूंगा नाइंटी टू हंड्रेड परसेंट फिर मैं नेक्स्ट बना लूंगा आपका जो सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट वाला है ठीक है जी 67% परसेंट को मैं डाल दूंगा सेफ के अंदर लेस देन 70% परसेंट ठीक है और 2% परसेंट आपका हो गया सेलाइन ठीक है 14 4 67 14 प्लस 4 18 18 प्लस 2 20 20 एंड 67 87 और ये 13% परसेंट मेरा क्या हो गया जहां पर आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है

अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना दोस्तों कुछ कहना चाहो तो कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर आप अपनी बात शेयर कर सकते हो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय